बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि खासकर जब हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं तो कभी कभी हमारे लैपटॉप में ऐसी मिस्टेक आ जाती है, हम लोग जल्दी उसका पावर ऑन करते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए उसमें फैन वगैरह चल के वापस है वो ऑफ हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का मैं आपको फिक्स सॉल्यूशन बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग फिक्स कर सकते हैं और एकदम फिक्स है वो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ ताकि आपको मार्केट में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी। तो आप बहुत ही इजीली है घर पे भी बैठ के इस प्रॉब्लम का फिक्स है वो सॉल्यूशन कर सकते हो। दोस्तों आपको मैं ये लैपटॉप दिखा देता हूँ, एकदम चालू कंडीशन के अंदर है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो वीडियो बनाया वही सेम प्रॉब्लम है। आपके भी यदि लैपटॉप के अंदर ये प्रॉब्लम आती है तो आप इस प्रॉब्लम का फिक्स सॉल्यूशन है वो कर सकते हो। कैसे है तो देखिए, सिंपली मैंने इसको जैसे ही मैं यहाँ से पावर ऑन करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लाइट आती है लेकिन ये चल नहीं पाता। ये देखिए थोड़ा सा फैन चलता है और तुरंत वो बंद हो जाता है। फिर से मैं आपको चेक करा देता हूँ, एक बार थोड़ा सा ज़्यादा लाइट की वजह से दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं तो एक बार फिर से एक बार थोड़ा सा चेक करा देता हूँ। इससे ज़्यादा लाइट है इसकी वजह से आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आप देखिए मैं इसको जैसे ही पावर ऑन करता हूँ तो ये सब आता है लेकिन जो लैपटॉप है वो ऑन नहीं हो पाता। तो इसका मैं आपको फिक्स सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप को वो यहाँ से बंद कर देना है और उसके बाद में आपको लैपटॉप को यहाँ से ऑन करना है, यहाँ से इसको ओपन कर देना है। जो स्क्रू वगैरह लगे हुए होते हैं इसको आपको सिंपली क्या करना है, अपने लैपटॉप को यहाँ से ऑन कर लेना है। जैसे आप लैपटॉप को ऑन कर लेते हो उसके बाद में सिंपली जो इसके अंदर रैम होती है, एक रैम होती है या दो रैम होती है, वो तो आपको रैम का शॉर्ट देखने पे ही पता चलेगा। तो सिंपली अभी देखते हैं कितने रैम है इसके अंदर। तो यहाँ पे इसके अंदर दो रैम वो डली हुई है तो दोनों में से आपको सिंपली एक रैम निकाल के चेक करना है कि कौन सी रैम है वो ख़राब है। तो मैं फर्स्ट वाली एक बार निकाल के चेक कर लेता हूँ सिंपली। तो फर्स्ट वाली रैम मैंने यहाँ से निकाल ली और एक रैम पड़ी है। फिर भी यदि ये ऑन नहीं होता है तो मैं ये सेकंड वाली भी निकालूंगा और फर्स्ट वाली वापस इसके अंदर वो डाल के रखूंगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ऑन होता है या नहीं होता है। फिर से मैं लैपटॉप को एक बार बंद नहीं करता हूँ, पीछे से ऑन ही रहता है। अब सिंपली हम लोग इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं। मतलब चल गया। तो यही प्रॉब्लम होती है फिक्स, मोस्टली क्या होता है कि अपने रैम की वजह से वो प्रॉब्लम है वो आ जाती है, तो इसका ध्यान रहे। तो ऐसी यदि आपके लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम आए तो सिंपली आपको एक रैम है वो निकाल लेनी है जिससे आपका ये प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आपके घर पे आपके पास कोई एक्स्ट्रा रैम अवेलेबल है तो आप खुद घर पे भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो कर सकते हो, यदि नहीं है तो आप मार्केट से लाके भी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हो। तो बेसिकली ये रैम की वजह से प्रॉब्लम आती है अपने लैपटॉप के अंदर जिससे रैम है वो क्या कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से रैम की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम लोग सोचते हैं कि कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो ये कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, ये बेसिकली एक रैम की वजह से वो प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।